हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विध नाज़िया देखिए आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग डाटा हैंडलिंग को हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन अगर आप लोगों को डाटा हैंडलिंग नहीं आता है आंकड़ों का प्रबंधन नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए फुल वॉच करिए मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि डाटा हैंडलिंग किसे कहते हैं और इसको हम लोग डाटा को हैंडल कैसे करते हैं और इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हमें डाटा हैंडलिंग को सीखने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन को सीखने के लिए ये सीखना होगा कि डाटा किसे कहते हैं ठीक है सबसे पहले हम सीखेंगे कि डाटा किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब कोई डाटा डाटा हम किसे कहते हैं कोई भी जानकारी जो हमें नंबर्स के रूप में प्राप्त होती है नंबर्स के रूप में प्राप्त हो उसे हम डाटा कहते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हमने आंकड़े किसे कहते हैं वो हमें ने, हमने जाना कि डाटा किसे कहते हैं डाटा किसे कहते हैं कोई भी जानकारी जो हमें नंबर्स के रूप में प्राप्त होती है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें नंबर्स के रूप में प्राप्त होती है उसे हम डाटा कहते हैं आंकड़े कहते हैं ठीक है थीके? अब इन आंकड़ों पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए उसके लिए हमें ये समझना होगा कि आंकड़े होते क्या हैं ठीक है थीके? तो देखिए कैसे आंकड़े होते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें आ, कुछ स्टूडेंट देखिए कुछ स्टूडेंट्स की जैसे हमें हाइट दे रखी है देखिए स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है हमें तो जब स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है हमें यहाँ पर तो वो भी हमें नंबर्स में दे रखी होती है ठीक है फाइव पॉइंट सिक्स इंच सेवन इंच ठीक है एट इंच इस तरह हमें नंबर्स में दे रखी होती है तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो हमें नंबर्स में दे रखी होती है उसको हम इस आंकड़ों के प्रबंधन से निकाल सकते है, हैं डाटा हैंडलिंग के ज़रिए निकाल सकते हैं ठीक है थीके? इस तरह हमें दूसरी चीज़ और भी दे रखी है देखिए एग्जांपल्स के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर कि हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं जैसे दो आठ दस पंद्रह ठीक है इस तरह हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स भी दे रखे होते हैं उसे भी हम डाटा हैंडल से सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद हमें दे रखे हैं दे रखा होता है जैसे क्रिकेट का स्कोर ठीक है तो यहाँ पर क्रिकेट का स्कोर जो दे रखा होता है तो वो भी हमें कितना दे रखा है तीन सौ ठीक है दो इस तरह हमें क्रिकेट का स्कोर दे रखा है तो वो भी हम डाटा हैंडलिंग से निकाल सकते हैं तो चलिए इसके लिए हम कुछ छोटा सा एग्जाम्पल्स okay, देखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डाटा हैंडल को सॉल्व कैसे करते हैं ठीक है आंकड़ों के प्रबंधन को सॉल्व कैसे करते हैं तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं ठीक है यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे होते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं देखिए हमें यहाँ पर दे रखा होगा कि मार्क्स यानी उसे हम लोग हिंदी में कहेंगे अंक अंक सूची ठीक है उसे हिंदी में कहेंगे अंक और इंग्लिश में कहेंगे उसे हम लोग मार्क्स और जितने स्टूडेंट्स होंगे उसके टोटल स्टूडेंट्स के हमें नंबर दे रखे होंगे स्टूडेंट्स नंबर टोटल स्टूडेंट नंबर भी हमें दे रखे हैं टोटल स्टूडेंट्स नंबर कितना है दस देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है हमें दस स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसके लिए चार्ट बनाएंगे और चार्ट कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम लोग चार्ट में यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ठीक है सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग मार्क्स और उसे हिंदी में हम लोग कहेंगे अंक जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख लीजिएगा और यहाँ पर फिर सेकेंड हमारा जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर टेली मार्क्स देखिए सेकेंड कॉलम क्या बनेगा हमारा यहाँ पर टेली मार्क्स और उसे हिंदी में हम लोग कहेंगे मिलान चिन्ह ठीक है हिंदी में उसे क्या कहेंगे हम लोग मिलान चिन्ह यहाँ पर तीसरा जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा फ्रिक्वेंसी देखिए उसको हिंदी में फ्रिक्वेंसी को कहेंगे यहाँ पर छात्रों की संख्या क्या कहेंगे छात्रों की संख्या ठीक है इस तरह अब हम लोग यहाँ पर इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे डाटा हैंडलिंग के ज़रिए तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं वो यहाँ पर उतार लीजिए नंबर क्या क्या दे रखे हैं टू थ्री फाइव ये जो हमें दे रखे हैं तो सबसे पहले हमने हम यहाँ पर सबसे छोटा नंबर लिखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर टू तो यहाँ पर टू को लिखा हम लोगों ने उसके बाद टू का जो मिलान चिन्ह है वो कैसे बनेगा देखिए वन टू इस तरह की लाइनें खिंचाती हैं उसे हम कहते हैं मिलान ठीक है फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर छात्रों की संख्या कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर हमें देखना होगा कि टू कितनी बार आया है ठीक तो है तो देखिए वन टू थ्री ये फोर कितने टाइम्स आया है फोर टाइम्स तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फोर ये हुआ हमारा एक नंबर कंप्लीट सेकेंड वाला देखिए यहाँ पर टू से बड़ा क्या अंक है थ्री तो यहाँ पर हम लोग थ्री ले लेंगे अब थ्री देखिए कितने टाइम्स आया है यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आया है थ्री तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे थ्री और जितने इसके मिलान चिन्ह बनेंगे वो यहाँ बनाएंगे हम लोग ये थ्री है तो वन टू थ्री डंडे खींच दिए हमने यहाँ पर ठीक है उसके बाद इसे अब हम लोग क्या कहें करेंगे यहाँ पर थ्री कितने टाइम्स है वन टाइम्स तो इसका टाइम्स लिखते जाएंगे यहाँ पर कितनी बार है ठीक है उसके बाद थ्री से बड़ा नंबर यहाँ पर क्या दे रखा है फाइव दे रखा है तो अब हम लोग फाइव को सॉल्व करेंगे तो देखिए वन टू यहाँ पर फाइव कितने टाइम्स है टू टाइम्स तो यहाँ पर लिखेंगे फाइव ठीक है अब फाइव के हम लोग डंडे कैसे बनाते हैं वो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव का हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे ठीक है इसका एक बंच बनाते हैं फाइव का यहाँ पर बंच बनता है इसलिए फाइव का जो फाइव नंबर का जो डंडा है उसे हम तिरछा खींचेंगे उससे हमारा एक बंच कंप्लीट होगा ठीक है ताकि हमें जब आगे बड़े नंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं तो बंच को हमें काउंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है ठीक है तो यहाँ पर इसलिए फाइव का एक एक बंच बनाते जाते हैं तो यहाँ पर फाइव नंबर की जो लाइन है वो तिरछी खिंचाएगी उसके बाद अब जो है फाइव कितने टाइम्स है वो देखिए वन और ये टू टाइम्स यहाँ पर फाइव कितने टाइम्स है टू टाइम्स है तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया फ़ाइव का टू टाइम्स देखिए फाइव से बड़ा नंबर अब क्या है सिक्स तो हम लोग यहाँ पर ले, ले लेंगे सिक्स अब देखिए सिक्स को कैसे बनाते हैं यहाँ पर सिक्स को बनाइए वन टू थ्री फोर ये फाइव फिर तिरछा खींचा हम लोगों ने और सिक्स का डंडा फिर आगे बना दिया ठीक है सिक्स कितने टाइम से एक बार तो यहाँ पर सिक्स को एक बार बना दिया फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एट सिक्स से बड़ा नंबर हमें क्या दे रखा है एट तो यहाँ पर लेंगे एट वन टू एट कितने टाइम्स है टू टाइम्स यहाँ लिखा एट इसके डंडे कैसे बनाएंगे देखिए वन टू थ्री फोर और ये फाइव सिक्स सेवन और ये एट ठीक है एट कितने टाइम से वन टू तो यहाँ पर लिख दिया टू अब देखिए इन सभी को काउंट कर लीजिए क्या हमारी छात्रों की संख्या बिल्कुल बराबर आ रही है हमें छात्रों की संख्या स्टूडेंट्स की कितनी तरह रखी थी दस तो यहाँ पर भी काउंट करने पर दस आना चाहिए चार पाँच पाँच और दो सात और एक आठ आठ और दो दस ठीक है काउंट गलती गलत करा था हम लोगों ने यहाँ पर होगा टेन ठीक है तो इस तरह हमारा ये हुआ क्वेश्चन कम्प्लीट नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफ वाला इसमें अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे हिंदी में कहेंगे उसे दंड आलेख ठीक है दंड आलेख कैसे बनाते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं बार ग्राफ्स तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे बार ग्राफ्स ठीक है और हिंदी में कहेंगे उसे दंड आलेख ठीक है यहाँ हिंदी में कहेंगे उसे दंड आलेख अब हम लोग बार ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं वो देखिए सबसे पहले बार ग्राफ में हमें क्या बनाना होता है यहाँ पर देखिए अगर ग्राफ्स पेपर है तो उस पर तो हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं अगर ग्राफ्स पेपर नहीं है और यहाँ पर हमारे पास कॉपी है तो देखिए कॉपी पर हम लोग कैसे बनाते हैं कॉपी पर बनाने के लिए हमने ये खींची इस तरह की लाइन और इस तरह की लाइन ठीक है यहाँ पर हम सबसे पहले जो नीचे हैं वो हमारे विषय लिखेंगे देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में विषय दे रखे हैं इंग्लिश मैथ साइंस और सोशल साइंस तो यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे क्या लिख लेंगे हमारे विषय लिख लेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले इंग्लिश ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे इंग्लिश सेकेंड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैथ्स तो यहाँ पर लिखा हमने मैथ्स थर्ड में यहाँ पर हमारे पास है साइंस तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइंस फोर्थ में हमारे पास यहाँ पर है सोशल साइंस तो यहाँ पर लिख लेंगे सोशल साइंस ठीक है उस तरह अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो साइड वाला हमारी लाइन दे रखी है उसमें हम नंबर लिखते हैं तो देखिए नंबर कैसे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो फिर यहाँ है वन फिर यहाँ है टू फिर यहाँ है थ्री फिर यहाँ है हमारे पास फ़ोर फिर यहाँ फाइव फिर ये सिक्स फिर ये सेवन फिर ये एट फिर ये नाइन फिर ये टेन ठीक है इस तरह हमने टेन तक के यहाँ पर नंबर लिख लिए हैं अब देखिए हम लोग ग्राफ कैसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें जो विषय दे रखा है उस पर देखिए कितने नंबर दे रखे हैं देखिए जब भी हमें इस तरह की सारणी दी हो तो उसके लिए ग्राफ ऐसे कैसे बनाएंगे देखिए इंग्लिश में हमें आठ नंबर दे रखे हैं तो सबसे पहले इंग्लिश पर आइए यहाँ पर ये इंग्लिश में हमने रखा हमारा पेन इंग्लिश पर रखा ठीक है उसके हमें कितने नंबर दे रखे हैं आठ नंबर तो हम लोग इंग्लिश के आठ नंबर का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये डंडी जो आठ नंबर से है यहाँ से उसको मिलाएंगे ठीक है आठ नंबर से मिलाएंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये आठ नंबर पर ग्राफ ठीक है हमने ये बना दिया आठ नंबर पर ग्राफ उसके बाद हमें सेकंड में क्या दे रखा है यहाँ पर मैथ्स में सात नंबर ठीक है तो हम अब मैथ्स को देखिए कहाँ पर बनाए मैथ्स ये रहा मैथ्स यहाँ पर मैथ्स में कितने नंबर है सात नंबर तो देखिए यहाँ सात नंबर से छोटे छोटे से पॉइंट्स में लाइन लेकर जाइए कहाँ तक लेकर जाएंगे हम लोग मैथ्स तक और सात से यहाँ पर लेकर जाएंगे और फिर यहाँ बना देंगे एक छोटा सा ग्राफ ठीक है ये हो गया हमारा मैथ्स का ग्राफ कंप्लीट अब उसके बाद हम लोग फिर से बनाएंगे यहाँ पर साइंस का फाइव नंबर का तो देखिए साइंस पर जाइए ये रहा साइंस ठीक है अब फाइव नंबर का ग्राफ बनाना है तो हमें फाइव से लाइन को ड्रॉ करना होगा तो ये फाइव से लाइन को ड्रॉ करते हुए हम यहाँ तक के आएंगे और देखिए लाइन को ड्रॉ करते हुए हमने यहाँ पर बना दिया साइंस का ग्राफ ठीक है उसके बाद अब हम बनाएंगे सोशल साइंस का यहाँ पर सोशल साइंस में थ्री नंबर दे रखे हैं हमें तो सोशल साइंस में थ्री नंबर का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम थ्री से पॉइंट करते हुए जाएंगे तो देखिए वन यहाँ से थ्री से हम लोग पॉइंट करते हुए गए ये देखिए ये सोशल पर आ गए हम लोग और यहाँ पर हमने बना दिया थ्री नंबर का पॉइंट इसे कहेंगे हम थ्री ठीक है साइंस में कितने मार्क्स पे बनाया है? हमने फाइव तो यहाँ लिख देंगे फाइव और यहाँ पर हमने मैथ्स में कितने पे बनाया है सेवन पर तो इसे लिखा सेवन और इंग्लिश में कितने पे बनाया है एट पे तो इसे लिख दिया हमने एट ठीक है इस तरह हमारा ये वाला ग्राफ कंप्लीट हुआ है देखिए आप लोग अगर हमें यहाँ पर ठीक यहाँ पर हमें दो नंबर की लाइन दे रखी हो दो नंबर की कैसे जैसे हमें यहाँ जो अंक दे रखे हैं यहाँ जो मार्क्स दे रखे हैं उस मान लीजिए कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के दे रखे हैं ठीक है या फिर मान लीजिए क्वार्टरली के दे रखे हैं अब हमें हाफ ईयरली के भी इसमें जोड़ना है ठीक है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के भी हमें इसमें जोड़ना है तो सेकेंड सेमेस्टर के नंबर्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे वो देखिए तो यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के नंबर हमें दे रखे हैं सेकेंड सेमेस्टर के हमें नंबर क्या दे रखे हैं यहाँ पर देखिए ये सेकेंड लिखा मैंने फर्स्ट के तो ये दे रखे थे अब सेकेंड के हमें फिर से लिख लीजिए इंग्लिश में हमें दे रखे हैं यहाँ पर नाइन नंबर और यहाँ पर मैथ्स के सिक्स दे रखे हैं और साइंस के हमें दे रखे हैं सेवन नंबर्स और सोशल साइंस के हमें दे रखे हैं फाइव नंबर्स ठीक है इस तरह हमें एक और चार्ट दे दिया है जब ऐसा डबल चार्ट आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे कैसे कंप्लीट करेंगे अब वो देखेंगे हम लोग ठीक है जब एक सारणी दी होती है तो हमने उसे ऐसे कंप्लीट किया लेकिन जब हमें डबल में नंबर दे रखा है यहाँ पर तो उसे कैसे कम्प्लीट करेंगे अब वो देखिए तो डबल में हम लोग नंबर्स को कैसे कम्प्लीट करते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ये ब्लैक से बनाया था ठीक है तो इसे ब्लैक से कवर कर दीजिए ताकि हमें दो कलर्स में कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अलग अलग कलर्स में आपको अच्छे से दिखाई देगा ठीक है तो हमने इसे ब्लैक से कंप्लीट कर दिया अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाला जो बनाना है उसे रेड से बनाते तो हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हमें नाइन नंबर्स पर ग्राफ बनाना है तो हम लोग नाइन नंबर कहाँ पर है यहाँ पर तो देखिए नाइन नंबर्स के पॉइंट करते जाइए यहाँ तक आइए तो देखिए ये वाला जो इंग्लिश का ग्राफ है ठीक है इंग्लिश के ग्राफ को ही हमें नाइन नंबर तक बढ़ाना है ठीक है तो उसे जोड़ेंगे कैसे हम से पहले वाले ग्राफ में देखिए इस तरह जोड़ेंगे ये बनाया हमने नाइन नंबर का ग्राफ इस पर लिख दिया हमने नाइन ठीक है इसे कवर कवर कर दिया हमने रेड कलर से ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये है फर्स्ट सेमेस्टर का और ये सेकंड सेमेस्टर का नंबर है ठीक है सेकंड जो हमारा ऐसा डबल वाला ग्राफ होता है वो किस तरह बनाते हैं ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ ठीक है तो चलिए यहाँ पर अब सेकंड वाले नंबर में हमें दे रखा है मैथ्स में सिक्स नंबर ठीक है तो मैथ्स में सिक्स नंबर दे रखा है तो उसको सिक्स नंबर पर ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पर ये रहा सिक्स यहाँ से पॉइंट करते जाइए और सिक्स नंबर का ग्राफ आ रहा है यहाँ पर तो हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे मैथ्स में ठीक है ये कंप्लीट हो चुका है हमारा मैथ्स का ग्राफ चलिए इसे भी रेड कलर से कवर कर दीजिए ये कर दिया हम लोगों ने कवर ठीक है अब यहाँ पर जो फाइव है साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का है इसमें हमें सेकेंड सेमेस्टर कम्प्लीट करना है तो साइंस का सेकेंड सेमेस्टर का नंबर कितने है सेवन ये रहा सेवन ठीक है तो हम लोग सेवन नंबर से लेकर जाएंगे तो देखिए ये रहा सेवन यहाँ से लेकर जाइए ये रहा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग साइंस का जो है वो सेवन नंबर तक के बढ़ा देंगे और इसे इसमें जोड़ देंगे ठीक है इसे इस पर लिख देंगे सेवन नंबर इसे भी हम लोग कैसे कवर करेंगे रेड कलर से कंप्लीट कर देंगे ठीक है ये हो गया हमारा साइंस का कंप्लीट अब हम करेंगे सोशल साइंस का कंप्लीट तो देखिए सोशल साइंस में कितने नंबर दे रखे हैं हमें फ़ाइव नंबर तो यहाँ पर देखिए फाइव नंबर कहाँ पर है ये रहा फाइव तो यहाँ इसे लेकर जाइए यहाँ से देखिए ये यहाँ से लेकर आए हम लोग और यहाँ पर हमने फाइव नंबर को इस यहाँ पर बढ़ा दिया ऊपर ये हो चुका है हमारा सोशल साइंस का फाइव नंबर कंप्लीट इसे भी रेड कलर से कंप्लीट कर दीजिए ठीक है आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर जब सेकेंड दो दो ग्राफ दे रखे होते हैं तो उसे हम कैसे कंप्लीट करते हैं कैसे बनाते हैं ठीक है ये सिर्फ थोड़ा सा डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन था ठीक है आंकड़ों के प्रबंधन का इंट्रोडक्शन था आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी और अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस और भी चाहते हैं डाटा हैंडलिंग पर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय